अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह टैक्स जो है उसको सबमिट कर सकते हैं, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपना जो पेमेंट मेथड है, मतलब किस तरह विड्रा करवा सकते हैं और उसे किस तरह ऐड करना है। तो एक यूज़र ने फीडबैक दिया था कि मैं अपनी वीडियोस में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, मतलब कि नींद आने लग जाती है। तो वैसे सच्ची बताऊँ तो मुझे भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस देख के ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आजकल थोड़ा काम ज़्यादा होता है, इस वजह से नींद भी नहीं पूरी होती और आधी नींद में वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगा मैं कि फुल एनर्जी के साथ एक्टिव होकर वीडियोस बनाऊं। तो चलें शुरू करते हैं। आपने जाना है एफिलिएट डैश प्रोग्राम डॉट अमेज़ॉन डॉट कॉम के ऊपर, और यहाँ से आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ से ऐड अकाउंट, तो ये एक ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है। वैसे ये मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था, तो इसमें लोकेशन वगैरह ऐड हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट, और अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। ऐड, नेक्स्ट, नो, कंफर्म। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कि हमारी वेबसाइट किस के रिलेटेड है। गेमिंग डायरी इज़ अबाउट टेक रिलेटेड टू ऑन दिस वेबसाइट वी रिव्यू लेटेस्ट टेक। अच्छा जी, उसके बाद प्राइमरी टॉपिक इसका गेमिंग, सेकेंडरी देखते हैं टेक किधर है। तो टेक मुझे नज़र तो नहीं आ रही इस वजह से, हाँ ये है टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर आइटम कंप्यूटर। ब्लॉग कंटेंट, अच्छा एसईओ और पेड ट्रैफिक भी कर सकते हैं, लेकिन एसईओ अगर अकेली भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। अमेज़ॉन ओनली, ब्लॉग राइटर, और यहाँ से 500 to 5,000 टू मोनिटाइज माई कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद ये कूपन, ओह सॉरी, कैप्चा, फिनिश। अच्छा गेमिंग टेक, फिनिश। तो लेटर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो टेक्स है उसे फिलअप करेंगे। तो अब हम इसके लिंक्स अपडेट कर लेते हैं। एडिट पोस्ट, प्रोडक्ट का नाम लिख के स्पेस अमेज़ॉन स्पेस अमेज़ॉन
अमेजोन स्पेस अमेजोन स्पेस अमेजोन स्पेस अमेजोन स्पेस अमेजोन स्पेस अमेजोन डैशबोर्ड की अपनी सर्च भी है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रेलिवेंसी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो न्यूबाइज के लिए प्रीफर्ड वे ये है कि वो गूगल के सर्च के ज़रिए प्रोडक्ट को फाइंड करें, ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है और रेलिवेंट भी। अब हम ओपन करेंगे टेबल, वन बाय वन इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ये अच्छा जी, ये रहा यूआरएल, सिक्की अपडेट, सिर्फ की अपडेट। नो फॉलो भी होना चाहिए। उसके बाद बटन को अपडेट करते हैं। अच्छा जी, आप चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। चेक किया कॉपी, अच्छा पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट। फिर थर्ड वन, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। उसके बाद दोबारा ओपन किया, फोर्थ वन पेस्ट पेस्ट और यहाँ से भी पेस्ट। उसके बाद फिफ्थ वन कॉपी, पेस्ट सॉरी यहाँ पे आएगा पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद सिक्स्थ वन कॉपी पेस्ट पेस्ट। उसके बाद सेवन कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। उसके बाद एट्थ वन कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो इसी के साथ टेबल और पोस्ट दोनों अपडेट हो गई हैं न्यू लिंक्स के साथ।
एक चीज़ जो सबसे बड़ी गलती हुई है मेरे से इस सीरीज़ में वो ये कि मैं इनको सही तरीके से अरेंज नहीं कर सका। तो अब मैंने सोचा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़ तो इंशाल्लाह मैं ऐसे सारा रीअरेंज करूँगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हो गया है, मतलब एक 22वें नंबर पे कीवर्ड रिसर्च का आ रहा है, दूसरा 40 नंबर पे, इस तरह करके काफ़ी आगे पीछे हो गया। तो इंशाल्लाह दोबारा जब ये कंप्लीट होगी तो मैं इसे दोबारा रीअरेंज करूँगा ताकि न्यू जो यूज़र्स होंगे उनके लिए ज़्यादा आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।